हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हमने सेल के साइज, नंबर्स और स्ट्रक्चर्स में और कैसे सेल जो है ऑब्जर्व हुआ था, ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया था। आज हम सेल के में जो भी कंटेंट्स होते हैं, इट मीन्स स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। आई होप आपके ने इससे पहले वाले लेक्चर में ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, तो और सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो हम आज स्टार्ट करते हैं सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? इट इज़ आउटर टू सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के आउटर में जो होता है वो सेल वॉल। इट मीन्स ये मेम्ब्रेन हो गई, तो इसके आसपास क्या होती है? सेल वॉल होती है। इट इज़ डेड, ये डेड होती है। और सेल मेम्ब्रेन क्या थी? लिविंग थी। इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। ये याद रखना है, मेन टॉपिक है कि जो सेल वॉल होती है सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं होती है ये। इट इज़ मेड अप ऑफ द सेल्यूलोज, जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है। इसमें क्या होता है, फंगस जैसे होते हैं उसमें क्या होता है? चिटिन होता है। ठीक है, वो वही उसकी क्या होती है? सेल वॉल होती है। इट इज़ फ्रीली परमेबल। फ्रीली परमेबल का मतलब क्या होता है? हमने सेमी परमेबल पढ़ा, अभी फ्रीली परमेबल। परमेबल का मतलब क्या होता है? ये अपने में से सब कुछ अलाउ कर देती है, ये हर एक मटेरियल को अपने में से अलाउ कर देती है, सब कुछ अलाउ कर देती है। लेकिन मेम्ब्रेन में, हमने सेल मेम्ब्रेन में क्या देखा था कि वो सेमी परमेबल थी। इट मीन्स वो सिलेक्टेड चीज़ों को ही अपने में से क्या करती थी? पास आउट होने देती थी। ठीक है, और ये क्या होती है? परमेबल मीन्स ये क्या करती है? सारे ही मटेरियल को अपने में से पास आउट होने देती है। फंक्शन हम देख ले रहे हैं सेल वॉल का, क्या फंक्शन होता है? इट इज़ प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। सेल को ये मैकेनिकल सपोर्ट देती है। इट अलाउ मटेरियल टू एक्सचेंज, मटेरियल एक्सचेंज करती है ये। इट मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, ये सेल की शेप को मेंटेन करती है। नाउ इफ वी गो इन टू डिटेल्स, वी कैन से दैट सेल कंसिस्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड इट इनक्लोजेस कॉल्ड ए लिविंग मटेरियल प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज डिफाइंड एज द लिविंग मटेरियल ऑफ सेल। जो हम कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिविंग है मटेरियल, जो प्रोटोप्लाज्म होता है। हम प्रोटोप्लाज्म को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जो लिविंग मटेरियल होता है वो प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जैसे कि साइटोप्लाज्म होता है, इसी तरीके से इसको प्रोटोप्लाज्म कहा गया। द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज कॉइन्ड बाय द J.E. पुरकिंजी। इसको जो है किसने बताया था? ये J.E. पुरकिंजी ने प्रोटोप्लाज्म टर्म को रखा था। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को ही टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। हम न्यूक्लियर के बारे में देखते हैं, आप देख रहे हो ये सेल है। ठीक है, सेल के अंदर जो इस तरीके का स्ट्रक्चर है वो क्या है? न्यूक्लियस। लाइक वी हैव ब्रेन, जैसे कि हमारा ब्रेन है। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी में जैसे ब्रेन है, इसी तरीके से सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस। द सेल हैज़ ए न्यूक्लियस, ऑल द एक्टिविटी आर द कंट्रोल बाय द न्यूक्लियस। जो भी सेल की एक्टिविटीज़ होती है, सारी एक्टिविटी कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इट इज़ लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल, ये सेल के सेंटर में होता है। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट, इसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियोलस। इन सब के बारे में हम डिटेल आगे एक एक करके पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। फर्स्ट न्यूक्लियस, आप देख रहे हैं ये फिगर, ये न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें क्या होता है? यहाँ पर न्यूक्लियस पोर होता है, जो कि सिलेक्टेड मटेरियल यानी कि सेमी परमेबल होता है, जिस अपने में से सिलेक्टेड मटेरियल को ही अंदर अलाउ करता है जाने को। उसके जैसे ही सेल मेम्ब्रेन होती है, इसी तरीके से इसमें भी क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इसी तरीके इसमें क्रोमेटिन, जैसे आप यहाँ पे थ्रेड धागे जैसे देख रहे हैं, ये धागे जैसे ये होता है क्रोमोसोम, जो कि हमारे जेनेटिक मटेरियल को आगे ऑफस्प्रिंग में पेरेंट्स से जो है उनके बेबीज़ में लेके जाता है आगे। वहाँ न्यूक्लियस में क्या है? न्यूक्लियोलस। तो हम इसको एक एक को डिटेल देखते हैं। फर्स्ट है हमारा
मेम्ब्रेन, इट इज़ द मेम्ब्रेन दैट सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। मेम्ब्रेन क्या होता है, जो कि न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करता है। अब ये जब पूरा बड़ा सेल है, ठीक है, तो सेल के अंदर यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था, एक लिक्विड था। कौन सा लिक्विड था? साइटोप्लाज्म। तो ये क्या करती है, ये जो मेम्ब्रेन है ये साइटोप्लाज्म से इसको क्या कर रही है, अलग रख रही है। ठीक है, द मेम्ब्रेन हैज़ पोर। इस मेम्ब्रेन में पोर भी है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर पोर, ये रहा पोर। ठीक है, तो ये पोर क्या करते हैं, अलाउ करते हैं सिलेक्टेड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं सिलेक्टेड मटेरियल को, जैसे मतलब इनको हम कह सकते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इट इज़ देयर फॉर कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियोप्लास्ट। जैसे कि साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर, क्या होता है यहाँ पर, साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, इसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर ये सेम साइटोप्लाज्म की तरह होता है। इट इज़ द लिक्विड इन द न्यूक्लियस दैट साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूक्लियस। इट इज़ सिमिलर टू साइटोप्लाज्म आउटर टू द न्यूक्लियस एक्सेप्ट दैट इज द लैक ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या करता है, सेम वैसे जैसे साइटोप्लाज्म में उसके ऑर्गेनेल्स को कंट्रोल कर मतलब रखता है, इसी तरीके से न्यूक्लियस में भी उसके ऑर्गेनेल्स होते हैं। न्यूक्लियोलस, इट इज़ द स्मॉल ओवल बॉडी रिच इज प्रोटीन एंड आरएनए। ये एक कैसी बॉडी होती है, ओवल बॉडी होती है जिसमें क्या होता है, प्रोटीन होती है, आरएनए होता है। आरएनए मींस राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये फुल फॉर्म है आरएनए की, आपको याद होना चाहिए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल मींस आपके पेरेंट्स के लक्षण जो आपके पास आते हैं वो कहाँ से आते हैं, जेनेटिक मटेरियल से ही आते हैं। ठीक है, इट इज़ द साइट ऑफ द राइबोसोम्स फॉर्मेशन, यहाँ पर राइबोसोम की फॉर्मेशन होती है। कहाँ पर, न्यूक्लियोलस में राइबोसोम की फॉर्मेशन होती है। दैट इज़ वे इट इज़ द ऑफ्टन टर्म एज द फैक्ट्री फॉर द राइबोसोम। हम इसको राइबोसोम की फैक्ट्री भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं, बन रहे हैं। न्यूक्लियर मटेरियल, आप आपको पता है इस न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है, न्यूक्लियर मटेरियल है। इट कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच फर्दर कंडेंस एट द टाइम ऑफ द सेल डिवीजन टू रिबन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। आप यहाँ पे रिबन लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। ठीक है, ये क्रोमोसोम क्या होता है, ये सेम ये जो हमने बोला था कि जेनेटिक मटेरियल को आगे करता है। ठीक है, तो दीज क्रोमोसोम आर द मेडअप ऑफ द डीएनए एंड प्रोटीन। अब ये किससे बना हुआ है, डीएनए और प्रोटीन से, ये आपको याद रखना पड़ेगा। देर आर द सेगमेंट ऑफ द डीएनए दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर्स इन ए बॉडी और ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग एंड आर कॉल्ड जीन्स। दे एक्ट एज द हेरिडिटी व्हीकल्स। ये क्या करता है, क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन का बना होता है और ये जो है रिस्पॉन्सिबल होता है कि बॉडी के कैरेक्टर्स को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के मतलब अपने उनके बेबीज में पहुंचाने के लिए, एक तरीके से इसको जीन भी कहते हैं। और ये क्या होता है, हेरिटिक व्हीकल कहा जाता है, मीन्स पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण आते हैं इसी तरीके से आते हैं। मेन अगर आप क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखो तो कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से ये क्रोमोसोम का जो है फिगर होती है। अब हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है। इट इज़ रेगुलेट द सेल साइकिल, ये सेल साइकिल को रेगुलेट करती है। इट कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल, सेल की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो भी कंट्रोल करती है। इट कंटेन जीन दैट हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इसके अंदर वो भी कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करती है जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाती है। मीन्स जब डीएनए, आरएनए, ये क्रोमोसोम, ये सब क्या हैं कि जिनके थ्रू हमारे आपके पास, जैसे आप हो, आपके अंदर आपके पेरेंट्स के कुछ ना कुछ गुण हैं, लक्षण हैं। ठीक है, वो किसके थ्रू आ रहे हैं, इसी के थ्रू, न्यूक्लियस के थ्रू। ठीक है, जो कि उसके अंदर मटेरियल है जैसे कि डीएनए और आरएनए और क्रोमोसोम है, वही क्या कर रहा है, जो जेनेटिक मटेरियल है उसको आगे ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र कर रहा है। आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आपके लिए छोटे छोटे पार्ट्स की वीडियोस बनाइए ताकि आप इसको अच्छे से टॉपिक क्लियर करके फिर अगले टॉपिक पे जाओ। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कर देना
और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया हो तो, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा।